सो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ऑन हो गया है और यह जो मेरा मोबाइल है लेनोवो K33A42 यानी कि इसका मॉडल नंबर है और मेरा मोबाइल है लेनोवो K6 Power। यदि यह मोबाइल आपके पास है और आपका मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, फास्ट नहीं चल रहा है, कभी कभी आपका स्क्रीन व्हाइट हो जा रहा है, तो आपको इसको मैं यहां पर 3 सेटिंग बताने वाला हूं जिसकी बदौलत आप अपने मोबाइल को थोड़ा फास्टली चला सकते हैं, यानी कि फास्टली इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको मैं पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंपल इसमें आपको यहां पर शो कर दिया कि मेरा जो मॉडल नंबर है जिसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और इसी मोबाइल से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं लेनोवो K33A42 से और लेनोवो K6 Power मोबाइल मेरा है। और आप लोग यदि इस मोबाइल को फास्ट थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर इसके सेटिंग पर चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं सेटिंग पर आ गया। सेटिंग में आने के बाद आपको फर्स्ट सेटिंग क्या करनी है दोस्तों, सिंपल में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। और यहाँ पर आने के बाद आपको देख सकते हैं कि एक स्टोरेज एंड USB का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आप लोगों का सामने और यहाँ पर आपको नीचे में दिखाई देगा ट्रेस क्लीनर का। ठीक है दोस्तों, तो इस पर आपको एक बार टैप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ इंटरफेस आ गया और यहाँ पर आने के बाद आपको एक स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको टैप करना है एक बार। ठीक है, टैप करने के बाद यह लोडिंग लेगा, कुछ MB लिखेगा, तो हम इसको थोड़ा इसको लोडिंग लेने देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरा अभी देखिए 208 KB होगा और यहाँ पर देख सकते हैं पहले मैंने यहाँ पर क्लीन करके रखा था एक बार और अभी मैंने क्लीन किया था 208 KB ही दिखा रहा है आपको। यदि आपके मोबाइल में ज्यादा वायरस हो गया होगा तो यहाँ पर MB में भी दिखाएगा, 1000 MB, 2000 MB, 3000 MB में रिमूवेबल जंक दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस पर सिंपल से स्कैन पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे में क्लीन का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लीन पर क्लिक कर देना हो। ठीक है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है आपका वायरस जो है डाटा खत्म हो जाएगा यानी कि मिट जाएगा और यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट सेटिंग करनी थी वो हो गया है मेरा दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट सेटिंग हो गया है। ठीक है, आपको दूसरी सेटिंग क्या करनी है चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं। तो दोस्तों आपको दूसरी सेटिंग सिंपली से करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर बैक आता हूँ फिर से और मैं यहाँ पर सेटिंग होम पेज पर आ गया हूँ और आपको फिर से नीचे में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और अपने एप्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर एप्स का ऑप्शन दिया होगा आपके मोबाइल में, मेरा भी मोबाइल में दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एप्स का ऑप्शन दिया है, इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आप लोगों के सामने और आपके मोबाइल में जितने भी एप्स हैं यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर शो हो जाएगा। शो होने के बाद ठीक है दोस्तों, जिस भी एप्लीकेशन को आप यदि इस्तेमाल नहीं कर रहे हो फिलहाल में, यानी कि उसका ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, तो आप उस एप्लीकेशन को क्या करना है आपको सिंपल से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरा जो एक एप्लीकेशन में, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, वेट कर लीजिए दोस्तों। मान लीजिए कि जैसे कि ये मेरा है काइनमास्टर, ये मेरा जो काइनमास्टर एप्लीकेशन है, मैं मान लीजिए मैं इसको ज्यादा अभी मोबाइल पर यूज नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और आप लोग भी कोई एप्लीकेशन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सिंपल से आपको क्या करना है सिंपल दोस्तों, सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको सिंपली से अनइंस्टॉल कर रख देना है। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपली से इसको अनइंस्टॉल कर देना है, नहीं तो आपको एक और काम कर सकते हैं, आपको सिंपल से मैं बता देता हूँ। सिंपल से दूसरे ऐप्स पर चलते हैं और मान लीजिए कि मेरा जो ये ऐप है ओपन हो गया और यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, सिंपल से कुछ भी नहीं जाना है, यहाँ पर 4 Stop पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 Stop पर, और जब भी आप इसको ऑन करना चाहते हैं फिर से यहीं से आके आपको इसको ऑन कर देना है। यदि आपका यह एप्लीकेशन का काम लगे तो आप इसको फिर से ऑन कर सकते हो। ऐसे में क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड में यह एप्स नहीं चलेगा और आपका बैटरी भी सही चलेगी और आपका जो है मोबाइल सही भी चलेगा, यानी कि ज्यादा एप्स नहीं रहेगा आपके मोबाइल में तो आपका मोबाइल भी फास्टली चलेगा। दोस्तों दूसरा काम ये आपको करना है कि जितने भी सारे एप्लीकेशन जो ज्यादा यूज होने वाला नहीं है आपके मोबाइल में, उसको डिसेबल या 4 Stop करना है और फिर से जरूरत पड़ने पर उसको ऑन और इनेबल कर देना है। तो दोस्तों ऐसे करके आप दूसरा भी ये सीक्रेट ट्रिक अजमा सकते हैं और अपने फोन को कुछ फास्टली चला सकते हैं। सिंपल से तीसरा ट्रिक बता रहा हूं जो कि आपको करना है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। आपको सिंपल से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर आ जाना है डेवलपर ऑप्शन। यदि आपके मोबाइल में, यदि आपको लेनोवो K6 Power में डेवलपर ऑप्शन का
ऑप्शन नहीं आया है तो आपको सिंपल से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सबसे नीचे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कोई मोबाइल में आपको पहले से नहीं दिया रहता है डेवलपर ऑप्शन, ऑन करना पड़ता है। तो सिंपल से आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से कुछ भी नहीं करना, नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बिल्ड नंबर, ठीक है, आपको इस पर दो तीन बार टैप करना है जब तक वन तक ना आ जाए। यहाँ पर मैंने पहले ही इसको ऑन करके रखा हूँ और मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है। आपको यहाँ पर चार पांच बार टैप करेंगे इस पर इस तरह से तो आपका डेवलपर ऑप्शन वहां पर आपको सेंटिक पर शो हो जाएगा, यानी कि वहां पर पॉपअप में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं इसको भी बैक कर लेता हूँ और सिंपल से डेवलपर वाले ऑप्शन पर चले जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे में और स्क्रॉल डाउन करते करते आपको आना है और यहाँ पर हम दिखाई दे रहे हैं आपको कहाँ पर कौन सी सेटिंग करनी है। सिंपल से आपको देख रहे हैं यहाँ पर तीन आपको लिख रहा है एनिमेशन स्केल वन, एनिमेशन स्केल वन, यहाँ पर तीन लगातार एनिमेशन स्केल लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तीन लगातार एनिमेशन स्केल वाले पर आपको फर्स्ट वाले एनिमेशन वाले पर टाइप करना है और आपका यदि मोबाइल थोड़ा उसका विंडो खोलने में टाइम लग रहा है तो आपको सिंपली से इसको क्या करना है ऑफ कर देना है या आपको 0.5x कर देना है, ठीक है दोस्तों। मैं तो अभी फिलहाल में 0.5x पर कर देता हूं और सिंपली से दूसरे वाले एनिमेशन स्केल पर भी 0.5x पर क्लिक करना है और तीसरे वाले पर भी उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है 0.5x पर। और ऐसे करने पर आपका मोबाइल जो है आपका मोबाइल का विंडो जो है बहुत फास्टली खुलने लगेगा, जैसे देख लीजिए देख लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो मोबाइल है कुछ ज्यादा तेज ही चलने लगा और देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल जो है कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगा, आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। और ऐसे करके अपने फोन को आसानी से तेजी से चला सकते हैं।